अगली खबर गाजियाबाद से, जहां भारत रक्षा मंच ने वीर सावरकर की जयंती के मौके पर विचार गोष्ठी रखी। इस कार्यक्रम का आयोजन नंदग्राम में बीएस फॉर्म हाउस में किया गया। यहां पर सांसद प्रतिनिधि संजीव शर्मा, जिलाध्यक्ष सुनील गर्ग समेत कई बीजेपी नेता मौजूद थे। विचार गोष्ठी में सांसद प्रतिनिधि संजीव शर्मा ने वीर सावरकर को नमन किया, स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान पर भी चर्चा की। हिंदुत्व के एजेंडे को, जिन्होंने राष्ट्रवादिता को प्रखर तरीके से इस देश के अंदर रखा और काला पानी की सजा उन्हें दी, पोर्ट ब्लेयर में उन्हें 10 साल तक रखा, लेकिन उनके बलिदान को कांग्रेस के लोगों ने दबा के रख दिया। जब से ये राष्ट्रवादी सरकार आई है, आज देश के अंदर जगह जगह वीर सावरकर जी की जयंती मनाई जा रही है। जाति, भ्रष्टाचार और आपसी वैमनस्यता कायम करने का कुछ लोग, कुछ विपक्षी दल प्रयास करते हैं, कुछ लोग प्रयास करते हैं, उनमें सब में एक रूपता समरसता लाने का काम कर रही है। और ये सौभाग्यशाली हम लोग हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विचारों से ओतप्रोत होकर भारत रक्षा मंच भी उनको सहयोग का रूप, सहयोगी रूप में, एक संस्था के रूप में चल रही है।